पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चिराग पासवान के पार्टी को लेकर इन दिनों बिहार की राजनीति काफी ज्यादा चर्चा में आ गई है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से चिराग पासवान को बनाए गए हैं और कल देर रात्रि हमने चिराग पासवान से बातचीत भी की, ये जानने की कोशिश की कि जो उनके सांसदों के बारे में सवाल खड़े हो रहे हैं और कि उनके सांसद लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और वो सांसद किसी भी वक्त पार्टी छोड़ सकते हैं। पार्टी छोड़ने की वजह क्या हो सकती है? क्या चिराग पासवान ने जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतियों पर सवाल खड़े किए हैं, जो चिराग पासवान उनकी नीतियों का विरोध लगातार कर रहे हैं, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान है और इस वजह से वो चाहती है कि क्या उनके सांसदों को तोड़ लिया जाए, पार्टी खत्म कर लिया जाए। चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर कल ही बयान दिया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और पिछली बार जब चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा गया था तो उनके चाचा पर यह आरोप लगा था कि उनके चाचा ने पार्टी में भीतरघात कर दिया, पार्टी तोड़ लिए, सांसदों को तोड़ लिया। अब एक बार फिर से ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं चिराग पासवान की पार्टी को लेकर? चूंकि चिराग लगातार इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि हम अभी एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, मोदी के हनुमान ही बने रहेंगे। बावजूद इसके राजद लगातार दावेदारी कर रही है। मुकेश रोशन जो राजद के विधायक हैं उन्होंने बड़ा दावा किया कि चिराग पासवान के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। कई राजद के नेता तो ये कह रहे हैं कि 3 सांसद हमारे साथ हैं, चिराग हमारे साथ आ रहे हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब जहां चिराग पासवान दे रहे थे, वहीं इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि चिराग पासवान अपने संगठन को लेकर के एक बड़ा बदलाव उन्होंने कर दिया है। दरअसल झारखंड में चिराग पासवान की पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी कर दी, 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया। अब ऐसे में झारखंड में एनडीए के गठबंधन के साथ लड़ेंगे या फिर अलग लड़ेंगे, ये कहना अभी तक मुनासिब नहीं है। हालांकि वहां पर जदयू भी लगातार इसकी तैयारी कर रहा है। चिराग पासवान ने झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश के लोक जनशक्ति पार्टी के प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सांसद अरुण भारती को प्रभारी और सांसद समस्तीपुर यानी कि शांभवी चौधरी को सह प्रभारी बनाया है। यानी कि कल ही हमने जब सवाल खड़े किए थे कि आपके संगठन के अंदर बदलाव होंगे, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी हम अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, तेलंगाना हो या फिर नागालैंड हो, इन तमाम जगहों पर लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई है और उन सभी जगहों पर चुनाव लड़ने की बड़ी तैयारी हम कर रहे हैं। चिराग पासवान अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तैयारी में है और राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए चिराग ने जहाँ झारखंड में कैंडिडेट खोजने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किया है। अरुण भारती और शांभवी चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दे दी और इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? क्या अपने सांसदों को रोकने की तैयारी चिराग पासवान कर रहे हैं? ये भी बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया फैसला हो सकता है। क्या कुछ अपडेट आता है इस पर हम आपको लगातार खबरें बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।